फर्स्ट ब्लॉक है, हमारा चैनल है मॉम्स एंड सन। और आज हम अपने पहले विंटर वेकेशन के पहले ट्रिप पर लेकर आपको लेके चल रहे हैं और हम जा रहे हैं वृंदावन। ये बहुत ठंड हो रही है। 6 बज गए हैं और हम वृंदावन पहुंचे हैं। गाइस अभी बस से उतरे हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी होटल में। अब बात का अपडेट बाद में देंगे। ये वो जगह है जहां हम आज रुक रहे हैं और ये रहा 106 रूम जिसमें हम रुकने वाले हैं। हे गाइस, रूम बहुत अच्छा है, इसमें हम 4 जने आए हैं। एक तो ये हमारी है सीमा जी और एक ये हमारी अदिति और ये है एक मेरा निकम्मा वाला बच्चा और एक मैं। से देखा इतना कोहरा, पर फिर फटाफट हम तैयार हुए बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। और ये हम सब रेडी होकर हमारे फ्लोर पे जितने लोग थे सब तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। फर्स्ट डे का येलो था, सभी ने अधिकतर येलो ड्रेस डाल रखी थी। इसके बाद जहां रुके थे वहां पर भी बहुत ही सुंदर मंदिर था, हम सब ने वहां के दर्शन किए। उसके बाद हम सब ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। एक भाभी जी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसके कारण उसे चला नहीं जा रहा था। हमने फिर उनके पैरों के कमर के सारे मर्म पॉइंट दबाए ताकि वो चल सकें, ट्रिप एंजॉय कर सकें। उनके सारे मर्म पॉइंट दबाने के बाद उन्हें काफ़ी रिलीफ हुआ। निकले तो देखा इतना सुंदर गार्डन था कि बगैर फोटो के हमसे रहा ही नहीं गया। और फिर तो हमारा फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। फिर हमने खूब सारे फोटो खींचे, मस्ती करी, बहुत ही मजा आया। बहुत ही सुंदर बगीचा और इतने सुंदर सुंदर फूल थे वहाँ पर कि वहाँ पर बगैर फोटो लिए किसी से रहा नहीं गया। सभी ने वहाँ बहुत ही फोटो खींचे, रील्स बनाई। इतने प्यारे प्यारे पेड़, कटिंग बहुत ही सुंदर। ये ट्रिप गुप्ता ट्रेवल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इतने सारे जने गए थे। सभी लोग बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाते हुए और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, धूप निकल गई थी। जाते ही वहाँ का ट्रेडिशनल टीका जो वृंदावन की पहचान है, वो तो लगवाना बनता ही था। बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से टीका लगाया।
यहाँ पर सभी ये टीका जरूर लगवाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है टीका लगवाकर कि आप यहाँ आए हैं और इस यहीं के रंग में रंग जाते हैं। जब मस्तिष्क पे राधे राधे लिखा जाता है तो आप ना चाहते हुए भी गलियों में राधे राधे करने पे मजबूर हो जाते हैं। और पहुंच गए हम बांके बिहारी के मंदिर में, जहां पर उसके बुलावे के बगैर कोई नहीं आ सकता। लोग तरसते हैं यहां आने के लिए। हम सब के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो आज हमने यहां के दर्शन किए। इसके बाद हम राधा वल्लभ मंदिर, जो कि उसी के सामने है, वहां गए। वहां कीर्तन चल रहा था। हम वहां थोड़ी देर बैठे, कीर्तन सुना और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किए। बाकी बिहारी में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। और उसके बाद हम सब निकल पड़े अपने अगले जगह के लिए। जगह पर जाते हुए हमें इतने सुंदर लड्डू गोपाल मिले कि हमने उनके साथ एक इतनी सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाई। फिर हम सब इकट्ठे होकर यमुना तट पर नौका कीर्तन के लिए गए।